आज हमारे बीच में पूर्व में 14 से 19 तक विधायक रहे ऐसे प्रियदर्शी जी शामिल हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका पार्टी में अभिनंदन करता हूं, उनका पार्टी में स्वागत करता हूं। और देखिए, देश भर से जो मोदी जी के नाम की और उनके काम की पिछले 10 वर्षों में एक देश विदेश में चर्चा हुई है, विदेश में भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी स्थापित हुए हैं। और विषम परिस्थितियों में दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी को देखकर जम्मू से लगाकर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, वेव है। उड़ीसा में भी ये दिखाई दे रही है। और हमारे अभी 2 दिन पहले 6 बार के सांसद रहे भर्तृहरि मेहताब जी हमारे साथी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सिद्धांत महापात्रा जी पूर्व सांसद, उन्होंने ज्वाइन की। और प्रतिदिन देश के अनेक हिस्सों से बड़े बड़े नेता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, सबका स्वागत के योग्य हैं। और ये पार्टी ऐसी है कि जो पार्टी में आने वालों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रियदर्शी का सम्मान भी आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा सम्मान दिया जाएगा। साथियों, मैं साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ, देश भर में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां केंद्र की योजनाओं का बहुत अच्छी तरह से पालन हुआ है। लेकिन यहां डबल इंजन की सरकार नहीं है, और सरकार चलाने वाला भी सुपर सीएम एक ऐसा अधिकारी बैठा रहा जो अब तक अधिकारी था, कि यहां केंद्र की आयुष्मान योजना ही लागू नहीं की गई। केंद्र की तमाम योजनाओं का, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस का हो, चाहे आयुष्मान योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो, इस सबके सबका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हो रहा है। किसान सम्मान निधि में रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं है, बहुत किसान परेशान हो रहे हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ 30 लाख लोगों को मिले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी पेंडिंग है और अपात्रों को दिए गए हैं, बहुत से पात्र रह गए हैं। साथ ही एक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है केंद्र से। पिछले कई वर्षों से जब से कोविड आया, 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज दिया जाता है। अनाज मोदी जी की सरकार देती है और यहाँ थैले पर बैग पर मोहर वो लगा देते हैं अपना। इस तरह का काम, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ बहुत सुस्त काम हो रहा है। आम आदमी के लिए जिस तरह से, और जगह भी आयुष्मान योजना लागू है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आखिर उड़ीसा में क्यों लागू नहीं है? तो यहाँ की जनता भी समझ गई है, केंद्र से पैसा आता है और ठप्पा अपना लगा देते हैं और सही तरह से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, मोदी जी का नेतृत्व जैसे और प्रदेश के हिस्सों में है, यहाँ भी उनका ही प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनकर बैठेगा और सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और प्रियदर्शी जी उसके साथ ही जिन्होंने आज पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका मैं बहुत पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।